तो राजा परीक्षित ने उस समय उन्हें चार स्थान दिए जो मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी। पहला स्थान तो उन्होंने दिया द्युतम, जुवा जो होता है उसमें कलयुग का वास होता है। द्युतम जुवे में कलयुग का वास है। जुवे हम समझे नहीं, हमारे को थोड़ा जैसे जो पांडवों ने जुवा खेला था। अच्छा अच्छा अच्छा, जुवे के अंदर। जी, जुवे में कलयुग का वास, जुवे के अंदर कलयुग का निवास है। जब पांडवों ने जुवा खेला था तो अपनी नारी द्रौपदी तक को दांव लगा चुके थे। तो हम जान सकते विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। तो जुवे में कलयुग का वास है एक नंबर। हाँ जी। दूसरा स्थान उन्होंने बताया मदिरा में कलयुग, मदिरा के अंदर। हाँ जी, जी। हाँ जी। और मदिरा यानी दारू के अंदर, दारू के अंदर कलयुग का स्थान बताया उन्होंने। हाँ, मदिरा नाश का कारण है और पतन का कारण है जी। तो तीसरा स्थान जो है वो बताया वेश्यागमन में। वेश्यागमन। हाँ जी। जो तीसरा स्थान वेश्यागमन में बताया आप सभी जानते हैं। हाँ जी। और चौथा स्थान जो हिंसा में बताया, हिंसा के ना लड़ाई दंगे के अंदर, यानी कलयुग का जो स्थान है वो लड़ाई दंगे के अंदर, यानी कलयुग के इन्होंने हमें चार स्थान बताए इन्होंने। आगे मैं इनसे पूछूंगा धर्म का स्वरूप क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने जी, धर्म का स्वरूप क्या है। और आज की जनरेशन के अनुसार, आज की पीढ़ी के अनुसार ये जो प्रश्न है बहुत ही उचित है, बहुत अच्छा है। धर्म का स्वरूप तो बहुत सी चीजें है। देखिए, परोपकार करना भी धर्म है। रामचरितमानस कहती है परहित सरिस धर्म निभाए। और उसी रामचरितमानस में लिखा है कि सत्य ने दूसरा धर्म समाना। आज हम सब जानते हैं कि सत्य बोलना धर्म है, परोपकार करना धर्म है, दान धर्म है, राज धर्म है। तो धर्म का स्वरूप तो बहुत विस्तृत है। और हमें ये खुशी होती है कि हम भी परमात्मा की दया से सनातन धर्म में हमारा जो है जन्म हुआ है। तो सनातन धर्म से धर्म की अनेक शाखाएं निकलती है। जैसे महाप्रतापी युधिष्ठिर जी ने सत्य का पालन किया तो धर्म के स्वरूप कहलाए और प्रभु के पावन धाम को हो जाते। तो मेरा निवेदन ये कि धर्म तो बहुत विस्तृत है। हम यदि धर्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं तो यदि एक भी चीज को हमने जीवन में अपना लिया तो धर्मो रक्षति रक्षित है। हम यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा जी। बहुत अच्छी बात है जी। और छठा प्रश्न हमारा इनसे जी, धर्म की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, धर्म की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, धर्म की रक्षा हम अपने अनुसार कर सकते हैं। हम शास्त्रों को पढ़कर कि हमारे से पीछे जो लोग आए थे उन्होंने कैसे धर्म को निभाया जी। जैसे हरिश्चंद्र ने क्या धर्म निभाया। हाँ, ये अलग बात है कि धर्म करते समय कुछ बाधाएं आती है, वो तो भक्ति करेंगे तो भी बाधाएं आएंगी, क्योंकि यदि हम सच्चाई के रास्ते पे जाएंगे तो कांटे तो आएंगे ही आएंगे। तो वो बात है कि हमारे शास्त्र प्रमाण है कि शास्त्रों को पढ़ के हमें धर्म के मार्ग पे चलने का जो है साहस मिलता है। जैसे कि ध्रुव जी धर्म के मार्ग पे चले, यदि हम चलेंगे तो आगे परमात्मा भी जो है हमारी सहायता अवश्य करेंगे। उन्हें गुरु रूप में नारद जी मिले, तो हम जो है एक कदम बढ़ाएंगे तो परमात्मा भी अवश्य अपना मार्गदर्शन करेंगे। किसी ना किसी सदगुरु को हमारे लिए भेजेंगे, हम उनकी शरण में आकर के धर्म की रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, हमारी को इन कोमल किशोर जी ने बताया। और हम इनसे सातवां प्रश्न करेंगे कि हम गोमाता की जो रक्षा है वो उसके गोमाता की सेवा के विषय में आप इनसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि गोमाता की सेवा के बारे में हमारे को कुछ बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। वैसे भी गौ माता के लिए आपने पूछा, मुझे भी बहुत खुशी हुई क्योंकि गौ माता से मेरा जो है वो बचपन से प्रेम है। गौ और गोपाल, ये मेरे दो लक्ष्य है, गोपाल की सेवा और गौ की सेवा। इसी लक्ष्य को लेकर के मैं जो है बड़ी हूँ। इसलिए गौ सेवा कैसे हो सकती है, अनेकों प्रकार है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि सेवा तीन प्रकार से होती है, पहला तन से, दूसरा मन से और तीसरा धन से। देखिए, हमारे अंदर यदि धन की सामर्थ्य नहीं है तो जरूरी नहीं कि हम केवल धन से ही कर सकते हैं। हम अपने तन के द्वारा भी गौ माता की सेवा अवश्य कर सकते हैं। दूसरा मन, यदि हमारा मन स्वच्छ है, हमारा मन यदि गौ माता के प्रति आकर्षित है तो हम धन से भी सेवा कर सकते हैं और तन से भी कर सकते हैं। और धन यदि है तो फिर तो कहना ही क्या। वो तो देखो, धन से, धन ऐसा नहीं कि धन बहुत लोगों के पास होता है लेकिन सबसे सेवा तो नहीं होती। तो सेवा करने का भी जो मौका है वो प्रभु किसी किसी को देता है।
इसलिए जो अगर हमें करने का मौका मिले तो ये प्रभु कृपा ही समझना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस भी वर्णन करती है भगवान राम रावण को मारने नहीं आए, क्योंकि भागवत कहती है, राम कथा कहती है कि ब्रकुटी विलास प्रलय सब होई, उनकी ब्रकुटी टेढ़ी हो जाती है तो प्रलय हो जाती है, फिर वो रावण को मारने कोई धरा धाम पे थोड़ी आए। हाँ, भगवान किस लिए है तो कहा कि विप्र धेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार, यानी कि ब्राह्मणों के लिए, सुर माने देवताओं के लिए और जो है धेनु, धेनु माने गाय के लिए, तो इनके लिए भगवान धरती पर आते हैं और सबरी जैसे को और सुग्रीव जैसे को इनको पावन करते हैं और गौ माता की सेवा स्वयं करके हमें प्रेरणा देते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये साथ में बताया लड्डू गोपाल की सेवा ये बहुत करते हैं, लड्डू गोपाल के बारे में बताया थोड़ा और विस्तार से इनसे जानते हैं। लड्डू गोपाल के बारे में आज यहाँ रतनगढ़ के अंदर भी देख रहा हूँ, वर्षदास से भी, सभी जगह आज के लड़कियां बच्चे बच्चियां औरतें सभी लड्डू गोपाल की सेवा बहुत करते हैं, उसके बारे में इनसे थोड़ा नॉलेज देना चाहेंगे, तो लड्डू गोपाल के बारे में विस्तृत से हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ जी, देखिए लड्डू गोपाल जी के बारे में आपने पूछा है और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भी लड्डू गोपाल जी की अपने आपको कहूँ मीरा तो नहीं लेकिन उनकी प्रेमिका हूँ। और देखो लड्डू गोपाल की बहुत ज्यादा सेवा करते हैं ये, हमने इनके बारे में सुना था और ये कहते हैं कि मीरा तो नहीं हूँ लेकिन मैं उनकी प्रेमिका हूँ, ये अपने आप को उसके उनकी प्रेमिका ही मानते हैं, मीरा तो नहीं है, लड्डू गोपाल की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, इनसे अपने हृदय से जो ये कहना चाहते हैं वो इनके मुख से अपने सुनते हैं। देखिए आपने पूछा ये जो भागवत का प्रसाद है, ये प्रभु कथा का प्रसाद है, ये मुझे उन्हीं की कृपा से मिला। सबसे पहला तो मुझे ये आशीर्वाद लड्डू गोपाल जी का मिला है। और देखिए लड्डू गोपाल को मैं अपने से भिन्न कभी नहीं समझती, और जैसे अपने परिवार में 5 सदस्य है तो हम उन 5 सदस्यों के बारे में हमको ये ख्याल रहता है, ये हमारे मामा, ये पिता है, ये दादा, ये भैया, ये भाई है। इसी प्रकार हम यदि भगवान के साथ अपना कुछ संबंध रखेंगे तो उनसे हमें प्रेम संबंध रखेंगे तो उनसे हमें प्रेम होगा, और जब बिना प्रेम की पूजा भी नहीं होती, नहीं होती जी। यदि अब एक माँ होती है, उस माँ का जो पुत्र होता है वो किसी विदेश में कमाने गया है जी। तो ऐसा तो नहीं कि वो माँ अपने बेटे को माला लेकर की याद करती है, ऐसा तो नहीं होता कि वो माँ माला जपे बेटे के लिए, उस माँ का स्वाभाविक प्रेम होता है उस बेटे, स्वाभाविक आंतरिक प्रेम, उसे माला जपने की कोई आवश्यकता नहीं जी। तो इसी प्रकार भगवान का यदि आपका हृदय से प्रेम होगा तो ये भी जरूरी नहीं कि माला, आपका तो हृदय ही माला जप रहा है, तो इसलिए आप हृदय में प्रभु को स्थान दे, प्रभु को आपका महल बंगला कोठी पसंद नहीं, उनका आपका छोटा सा मन वो निर्मल होना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं।